बर्सर के आईपीएच विभाग में टेंडर भरने को लेकर ठेकेदारों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान ठेकेदार पवन शर्मा को आंख और सिर पर चोट आई है। ये सब मामला बर्सर अधिशांसी अभियंता के ऑफिस में हुआ। ठेकेदार पवन शर्मा ने बर्सर विश्राम गृह में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बर्सर के आईपीएच ऑफिस में टेंडर भरने को लेकर दो ठेकेदारों ने उनसे मारपीट की है। ठेकेदार ने बताया कि मुझे टेंडर भरने से रोका गया। पवन शर्मा ने बताया कि इस दौरान बर्सर अधिशांशी अभियंता मुख्य दर्शक बने रहे। पवन शर्मा ने बर्सर पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह शिकायत लेकर बर्सर थाना पहुंचे तो पुलिस ने भी उनकी मदद नहीं की। मारपीट करने वाले दो ठेकेदारों पर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है। उधर बर्सर के एसएचओ जगदीश चंद का कहना है कि ये मामला उनके ध्यान में है। दोनों पक्षों की क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है। मामले की छानबीन की जा रही है। कल आईपीएच डिवीजन बर्सर में टेंडर होने दे, टेंडर नहीं डालने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। मुकेश जो उप प्रधान पद पर है और साथ में संजय कुमार है, उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज और मारपीट की है और साथ में ठेकेदारी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं हम भाजपा के हैं और हम आपको टेंडर नहीं डालने देंगे, आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, उसके बाद मेरे को और धमकाया, जान से मारने की धमकी दी उन्होंने। और उसके बाद मैं पुलिस में गया, पुलिस में एप्लीकेशन दी है, मेडिकल करवाया उन्होंने। मगर अब आज सुबह मुझे लगा पता कि एफआईआर आज हुई है, जबकि कल कोई एफआईआर उन्होंने दर्ज नहीं की थी। तो अब बार बार वो भी तंग कर रहे मेरे को जिन्होंने हमला किया था। आप मारपीट जो है वो बर्सर आईपीए डिवीजन के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे हुई है जी। मैं तुरंत अंदर गया उनके पास, तो उस टाइम वो व्यस्त थे। उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कहा यहाँ पे मेरे साथ झगड़ा हुआ है, हमला हुआ है। फिर शाम को फिर मैं दोबारा फिर गया, मैं कहा जी ऐसे से बात है, कहते है आपने एफआईआर करा दी। मैं कहा एफआईआर तो मैंने करवा दी है। तो कहते ठीक है फिर। तो उसके बाद कोई कुछ नहीं उन्होंने बोला। कहाँ कहाँ आपको चोटें आई हैं? ये पूरे सिर में चोटें हैं, दिखाइए जरा। आंख में चोटें लगी हुई है।